हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल फ्रीक वीडियोस। आज हम लोग आए हुए हैं बफे ब्रेकफास्ट ट्राई करने राजकुटीर में। हम लोग यहां पर रुके हुए हैं, सो आफ्टर द नाइट स्टे नाउ इट्स द टाइम फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। व्हेन एवर यू स्टे इन एनी फाइव स्टार प्रॉपर्टी, ताज प्रॉपर्टी, दैट इज़ द बफे ब्रेकफास्ट। सो मेरे पीछे जो हॉल है यहाँ पर बफे ब्रेकफास्ट होगा एंड मैं अभी उसके सामने खड़ा हूँ। थोड़ा बहुत रेनी है, सो अंदर चलते हैं, अंदर चल के राजकुटीर का बफे ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक। चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं और भूख भी बहुत तेज़ लगा है क्योंकि रात को डिनर थोड़ा सा जल्दी किया था, इसलिए भूख लग गया है। सो पहले देख लेते हैं क्या क्या है, एक राउंड लगाते हैं। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग, यहाँ से प्लेट लेना पड़ेगा, बट पहले एक बार एक राउंड लगाते हैं कि क्या क्या आइटम है। एक यूनिक आइटम से स्टार्ट होता है पांता भात। दिस इज़ अ सरप्राइज, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। सो दिस इज़ बेसिकली राइस सोक्ड इन वाटर एंड टिपिकली केप्ट ओवरनाइट। सो आजकल इसका काफ़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू को लेके नेट पे काफ़ी जो है मटेरियल है, वीडियोस हैं, इसीलिए शायद इसको रखा है। एंड ओके, फाइव स्टार होटल में भी पांता भात रखा जाता है, मैंने पहली बार देखा। तो इसके साथ मिर्च वगैरह लेते हैं, प्याज और मिर्च के साथ। सो दैट्स एन यूनिक थिंग। घुगनी, वेल दिस इज़ चिकपी, छोले चिकपी सब्ज़ी। सो बेसिकली घुगनी ट्रेडिशनली एक बंगाली आइटम है और इसको पूरी के साथ या ब्रेड के साथ अच्छा रहता है। आलू सब्ज़ी टिपिकली पूरी के साथ या पराठे के साथ ले सकते हैं। दिस इज़ छोला दाल और बेसिकली दिस इज़ विथ पूरी, सो लुची के साथ इसका अच्छा कॉम्बिनेशन है। चीरेड पोलाव, दिस इज़ पोहा एंड अगेन दिस इज़ अ स्टेपल ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स बोथ में चलता है ये। सो ये भी बहुत कॉमन नहीं है इन बफे ब्रेकफास्ट, ऑफ कोर्स ये मोर और लेस होमली आइटम है, बट यस यहाँ पर रखा हुआ है। सो काफ़ी आइटम्स हैं, एक के बाद एक देखते हैं ना। ऑलरेडी काफ़ी कुछ आ गया है, जहाँ घुगनी था वहाँ पर ब्रेड भी था। सो दिस इज़ बेसिकली ब्रेड एंड घुगनी का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पर साउथ इंडियन सेक्शन है, जैसा देख सकते हैं सांभर है सामने एंड इडली, साइड में जो ये कंटेनर्स हैं इसमें इडली है एंड आई थिंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ इडली है। सो दिस इज़ सांभर, ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल साउथ इंडियन विद डोसा एंड इडली बोथ। चटनीज, डिफरेंट काइंड ऑफ चटनी तो रहेगा ही साउथ इंडियन में, चटनी एंड मे बी द मिडिल वन इज़ योगर्ट और नॉट, आई डोंट नो, बट यस चटनी एंड द आइटम्स दैट यू टिपिकली टेक विथ द साउथ इंडियन आइटम्स। ओके, सो दिस इज़ अगेन, दीज आर मोर ऑर लेस अ कॉन्टिनेंटल साइड, सॉर्टेड वेजिटेबल, ये सब नहीं लेना है हमें बिकॉज हम लोग मोस्टली खाएंगे फ्राइड आइटम और बंगाली ट्रेडिशनल आइटम, साउथ इंडियन आइटम, ये सब खाएंगे जो हमें यूएस में नहीं मिलता है। ग्रिल्ड टोमेटो इज़ अ टिपिकल बफे ब्रेकफास्ट आइटम इन ऑलमोस्ट एवरी होटल इन इंडिया, विच इज़ नॉट बैड, एक ट्राई करने के लिए ठीक है। टोमेटो के ऊपर चीज़ डाल के उसको ग्रिल करते हैं, सो हाँ एक टेस्ट करने के लिए ठीक है। चिकन सॉसेज वैसे तो अच्छा है, लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी डोंट गेट इन यूएस, सो ये ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, सो इसको हम स्किप कर देंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है, बॉयल्ड एग, ओके, सो दिस इज़ अगेन स्टेपल ब्रेकफास्ट आइटम, बॉयल्ड एग। और ऑमलेट अगर लेना है तो वो लाइव बना देंगे काउंटर में। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स, दीज आर दी ब्रेड काउंटर, मफिन्स, देन डिफरेंट काइंड ऑफ बेकरी आइटम यहाँ पर है, डोनट्स, क्रॉइसेंट, डैनिश पेस्ट्री दिख रहा है पीछे। दिस इज़ सम अगेन सम स्वीट बेकरी आइटम। दिस इज़ कॉर्नफ्लेक्स सेक्शन,
सो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल, मिल्क रखा हुआ है, ये चीज़ एंड सम फ्रूट्स एंड मेनली चीज़ है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़, शेडर चीज़ एंड अदर चीज़ आइटम्स। यहाँ पर कुछ मिल्क ड्रिंक था, ये योगर्ट है, पैक्ड योगर्ट है, सो यहाँ से ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ फ्रूट्स, कट फ्रूट्स एंड दिस इज़ फ्रूट जूस। फ्रूट जूस का यहाँ सबसे अच्छा है कि ये फ्रेश फ्रूट जूस होता है, नॉट द पैक्ड वन, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। और वाटरमेलन जूस मुझे खास करके पसंद है, मैं कभी भी जाता हूँ बफे ब्रेकफास्ट में तो वाटरमेलन जूस मैं पहले ही लेता हूँ, बिकॉज दैट इज़ टिपिकली यू डोंट गेट इन अ बॉटल्ड पैक, जो नॉर्मली बाकी जूस मिल जाता है। सो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट एरिया, हम लोग थोड़ा जल्दी आए हैं, इसके बाद मुझे लगता है कि बाकी लोग आएंगे बिकॉज द होटल इज़ फुल, सो भीड़ तो होगा, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट इट्स नॉट दैट क्राउडी बिकॉज इट्स लिटिल बिट अर्ली, नॉट वेरी अर्ली, बट आई थिंक मोस्टली पीपल हैव नॉट येट कम, सो आई थिंक लास्ट हाफ एन आवर में रश होता है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स में बहुत लोग आते हैं। और जो आइटम रखा हुआ है उसको तो जाके ले सकते हैं, दैट्स काइंड ऑफ सेल्फ सर्व, और अगर आप बोलेंगे उसको भी ला के ये दे देते हैं, सर्विस इनका बहुत अच्छा है। इसके अलावा देर इज़ अ लाइव स्टेशन वेर यू कैन ऑर्डर, यू डोंट हैव टू गो अप टू द लाइव स्टेशन, दे विल कम टू यू एंड टेक योर ऑर्डर और टेबल पे पहुंचा देंगे, बट मैं आया हूं जस्ट एक बार देखने और आप लोगों को भी दिखाने। सो दिस इज़ द एग स्टेशन, एग काउंटर, जहाँ पर डिफरेंट किस्म के ऑमलेट बना रहे हैं, सो काफ़ी कस्टमाइज्ड होता है जो ऑमलेट बनाते हैं उसमें, यू कैन आस्क फॉर प्रिटी मच एनी थिंग टू बी पुट, लाइक आपको टमाटर चाहिए, चीज़ चाहिए डाल देंगे, मशरूम ऑमलेट, अगर कुछ नहीं देना है वो भी बोल सकते हैं, स्पाइस लेवल, चिली डालना है नहीं डालना है एंड एवरी थिंग, सो दिस इज़ अ क्वाइट गुड थिंग। एक वेराइटी ऑफ ऑमलेट यहाँ पर मिलता है एंड कई जगह पर डोसा भी लाइव बनाते हैं, बट इनका आई थिंक डोसा बना के ला रहे हैं, और यहाँ तो डोसा बनाने का नहीं दिख रहा है, सो आई थिंक डोसा इनका किचन में बन रहा है, ऑल दो फ्रेश बना के ला रहे हैं। एंड दिस इज़ द एंटायर रूम वेयर बफे ब्रेकफास्ट इज़ बीइंग सर्व, सो ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट नहीं है, कई फाइव स्टार होटल में रेस्टोरेंट में ही ब्रेकफास्ट सर्व होता है, बट इनके केस में दे हैव अ डिफरेंट हॉल वेयर दे आर सर्विंग ब्रेकफास्ट। सो आ गया है मेरा फर्स्ट, मैंने ले लिया है प्लेट इडली, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इडली, प्लेन इडली एंड मसाला इडली, सो द मसाला इडली इज़ द लेफ्ट वन एंड द प्लेन इडली इज़ द अदर वन। डोसा ले लिया है, अगेन ये डोसा ऑर्डर लेते हैं, और मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा, प्लेन डोसा, वट एवर वेराइटी यू चूज़, दे विल सर्व यू एट योर टेबल। एक जो कॉम्बिनेशन मैं शुरू में मेंशन किया था कि घुगनी के साथ ब्रेड का कॉम्बिनेशन, ये भी एक ट्रेडिशनल बंगाली ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, बोथ इवनिंग स्नैक्स बोथ टाइम ले सकते हैं, सो ये भी इन्होंने रखा है। अगेन दिस इज़ कौशिकी ऑर्डर्ड दिस इज़ चॉकलेट पैनकेक, सो ये भी ऑर्डर पे है, एज यू ऑर्डर दे विल मेक एंड ब्रिंग इट टू यू। सो बेसिकली उनका वेफल पैनकेक का अच्छा वैरायटी होता है, चार पांच किस्म का वेफल एंड पैनकेक यू कैन ऑर्डर, वॉट एवर यू ऑर्डर दे विल प्रिपेयर एंड ब्रिंग इट टू योर टेबल। सो जो आइटम दिख रहा है इसके बाहर भी मोस्ट ऑफ द आइटम वॉट एवर यू आस्क फॉर दे विल मेक एंड ब्रिंग इट टू यू, सो ये यहाँ का खासियत है। सो जैसे पराठा आज मेनू में नहीं है, बट इफ़ यू आस्क फॉर इट विल टेक 10 मिनट्स एंड दे विल मेक इट अवेलेबल। सो पूड़ी ले लिया था मैंने, इसके बाद जो है फ्रूट्स, सो ओवरऑल नाउ टुवर्ड्स द एंड हम लोगों का ब्रेकफास्ट आ चुका है करते करते, एंड फ्रूट्स, कट फ्रूट्स और साथ में एक ग्रीक योगर्ट, योगर्ट एक और ट्राई करना है इसके बाद, सो एक ले लिया है, दूसरे फ्लेवर का एक योगर्ट ले लिया है, एंड इसके बाद कॉफ़ी के साथ ब्रेकफास्ट एंड करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो,
बहुत जल्दी मिलेंगे राजकुटीर का ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।